दोस्तों ये है चुनार राजगढ़ रोड और इसी पे ये खुला है फनलैंड वाटर पार्क। हालांकि अभी ये निर्माणाधीन है, यहाँ पे काम अभी स्टार्ट है और लेकिन फिर भी कुछ कुछ पर्यटक यहाँ पे आने लगे हैं। दोस्तों तो आप देख रहे हैं यही है आगे कुटिलवा मोड़ और यहीं से रास्ता चुन्नी दरी, भाना दरी, पंचशील की दरी, गिरधरिया दरी के लिए जाता है। लेकिन अभी इस मोड़ के आगे सिद्धनाथ की दरी वाली जो नदी है जरगो वो पड़ती है। दोस्तों ये जो आप पुल देख रहे हैं इसी पुल से होकर हम चुन्नी दरी वाटरफॉल, भाना दरी वाटरफॉल, पंचशील की दरी वाटरफॉल जाते हैं। लेकिन इस जो सिद्धनाथ की दरी से जो पानी आता है उसी पे ये पुल बन रहा है, क्योंकि ये वाला रोड अब नेशनल हाईवे हो जाएगा तो इस पे ये पुल बनाया जा रहा है। इस वजह से पुल अभी निर्माणाधीन है और अस्थायी रूप से रास्ता बनाया गया है। और ये देखिए लोग पानी में से होकर आ रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और इसमें से पार करना काफ़ी जान जोखिम में डालना है, इसलिए मैं अब इस रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते से जाऊँगा। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा है और लोग वापस हो जा रहे हैं। एक आदमी वहाँ से प्रयास कर रहे थे आने के लिए लेकिन वो भी वापस हो गए हैं। तो अब हम दोस्तों दूसरे रास्ते से चलेंगे, वो भी रास्ता काफ़ी ईजी है, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहा है। ये रास्ता चला जाएगा शिव की दरी, पहिती जलप्रपात, जोगिया दरी वाटरफॉल और आलोकी दरी वाटरफॉल। और ये जो रास्ता बाएं साइड जा रहा है जो कि ये चुनार राजगढ़ मेन रोड है, यही रास्ता आगे अड़गड़ानंद आश्रम, सिद्धनाथ की दरी, पंचशील की दरी, भाना दरी, चुन्नी दरी आदि रास्तों की तरफ हमें लेके जाएगा। तो इसे हम एक पर्यटन चौराहा भी बोल सकते हैं, आप इसे काफ़ी ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों ये सिद्धनाथ के दरी से पानी यहाँ पे आ रहा है और यहीं पे आप पानी का यहीं पे आप पानी देख के झरने में पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झरने में कितना ज़्यादा पानी होगा। ये देखिए कितना ढेर सारा पानी आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों जौहर वाली नदी हम पार करके जैसे ही आगे आएंगे परम आश्रम की तरफ बढ़ेंगे, उसी के पहले एक मोड़ है, उसी मोड़ से हम चुन्नी दरी वाटरफॉल जाने के लिए मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मोड़ आ चुका है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है और अब हम इसी मोड़ से अंदर चलेंगे। और दोस्तों यहीं रास्ता हमें चुन्नी दरी, भाना दरी और पंचशील की दरी वाटरफॉल लेके जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि पीछे वाला रास्ता ब्लॉक था तो हम इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हल्की हल्की बारिश हो रही है, यदि काफ़ी तेज़ बारिश होती है तब भी घूमने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है ना इसमें घूमने में बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है और ये रास्ता कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़ों के बीच से बिल्कुल जाना है। इधर पहाड़ है, इधर खेत है, आसमान में बादल है, धूप का तो कोई नामो निशान नहीं है, हवाएं इतनी अच्छी लग रही हैं और मैं 20 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके आ गया और बिल्कुल हल्का हल्का फुहारा पड़ रहा है कि मैं अभी तक भीग भी नहीं पाया हूँ। और बस आप समझ लीजिए कि कितना प्यारा मौसम बना हुआ है यहाँ का। तो ये यहाँ पे किसी का रिजॉर्ट बन रहा है लेकिन वो पूरा बन नहीं पाया है, निर्माणाधीन है ये, और अगर ये बन जाएगा तो पर्यटक लोग को रुकने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इधर रुकने की कोई ठीक ठाक इंतज़ाम नहीं है। हालांकि होटल वगैरह है, रुकने का ऐसा नहीं है, अगर पर्यटक चाहें तो रुक सकते हैं। और ये देखिए भैंस किस तरह से पानी में, तो इसी तरह से बारिश जब होती है तो पहाड़ों से पानी उतरने लगता है और ये रास्तों पे इसी तरह से हल्का हल्का पानी बहता रहता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये वही रास्ता है जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, नदी पे पुल नहीं था उसकी वजह से हमें काफ़ी घूम के आना पड़ा है। दो तीन हम इधर से हम इस साइड जाएंगे चुन्नी दरी के लिए अपने बाएं हाथ, और यदि आपको भाना दरी जाना है, पंचशील की दरी जाना है तो आपको अपने दाहिने हाथ जाना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं चुन्नी दरी वाटरफॉल, तो अपने हम बाएं हाथ इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये स्टेट हाईवे बन रहा है इस वक्त और दोस्तों ये रास्ता हरेवरांग घाटी से होते हुए द्रमणगंज घाटी तक बनाया जा रहा है और इसी पे आगे सिद्धनाथ की दरी से जो नदी निकलती है उस पे पुल बन रहा है, लेकिन पुल अभी बन नहीं पाया है, उस वजह से ये रास्ता थोड़ा सा लोगों को आवागमन के लिए दिक्कत हो रहा है। नहीं तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे अब तक तो हम वाटरफॉल के पास पहुँच गए होते। दोस्तों अब हमें यहीं से अपने दाहिने हाथ अंदर मुड़ना होगा, ये आप पूरा लोकेशन ध्यान से देख लीजिए, हमें यहीं से अंदर चलना होगा। ये है रास्ता, यहाँ से हम चलेंगे अंदर।
कहीं भी आपको लेफ्ट राइट नहीं होना है और आपको बिल्कुल सीधे ही जाना है। और ये देखिए कितना प्यारा बगीचा आ गया है, किसी का है, और कितना सुंदर यहाँ पे पूरा व्यू बना हुआ है। दोस्तों आपको आप जब इस रास्ते पे आएंगे तो कुछ देर के लिए आपको बिल्कुल जंगल वाला एहसास होगा कि हम किसी घने जंगल में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पाता है, कभी धूप नहीं लगती है, और इतना यहाँ पे ठंडा होता है गर्मियों के भी टाइम में, और इतना घना बगीचा है ये कि बिल्कुल जंगल वाला एहसास आ जाता है यहाँ पे। और बरसात में तो लगता है कि किसी सदाबहार वर्षा वन में घूम रहे हैं, इस तरह का व्यू यहाँ पे होता है। दोस्तों अब ये रास्ता आपको सीधे पकड़ के नहीं जाना है, आगे से आपको अपने राइट हैंड मुड़ जाना है, दाहिने हाथ आप मुड़ जाएंगे। और ये देखिए लोकेशन आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से आपको दाहिने हाथ अपने राइट हैंड साइड मुड़ जाना है इधर के लिए। और दोस्तों झरने में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है कि मुझे यहाँ से ही आवाज़ सुनाई देने लगी है, काफ़ी प्रचंड पानी जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तीन तीन जगह का पानी आता है। सिद्धनाथ के दरी का तो पानी आता ही है जो कि सबसे बड़ा वाटरफॉल है दोस्तों, और उसके बाद इसमें पानी आता है बाढ़ सागर नहर का, और बाढ़ सागर नहर का पानी इसी में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, और यहीं से जरगुड नदी से होते हुए ये पानी जरगो बांध में निकल जाता है, और वहाँ से फिर हरिवरा बांध में चला जाता है। और दोस्तों एक नदी और आती है जो कि सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, उधर से आती है, और उसका भी पानी आके मिलता है। तो सिद्धनाथ के दरी में जितना पानी होता है उसका तिगुना पानी यहाँ पे रहता है, तीन गुना ज़्यादा पानी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी झरने का व्यू हमेशा ही विकराल रहता है, काफ़ी भयानक तूफान रहता है पानी में यहाँ पे। और हम ये आ गए हैं, आप ये जो सामने घाटी देख रहे हैं, ढलान देख रहे हैं, झरना वहीं पर बह रहा है, नदी एकदम भर के जा रही है। और इस पर ये दोबारा पुल बनाया गया है, इस पर एक बार पहले भी पुल बनाया गया था लेकिन वो पुल बह गया है। दोस्तों यहाँ पे दो वाटरफॉल हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, एक वाटरफॉल देखने के लिए आपको इस साइड जाना होगा क्योंकि नदी का पानी एक भाग में इधर जा रहा है और दूसरे भाग में पानी उधर जा रहा है। तो चुन्नी दरी वाटरफॉल जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, तो पहले हम इस साइड चल रहे हैं, उसके बाद हम उस साइड चलेंगे। दोस्तों ये आप यहाँ से झरने का खूबसूरत व्यू देखिए, इतनी खूबसूरती के साथ पानी यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों इस झरने के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर का खनन होता है उसके वजह से, नहीं तो आप ये जो सामने ये देख रहे हैं झरने की जो एक्चुअल ऊँचाई थी वो इतनी थी, लेकिन ये साइड साइड से पूरा पत्थर काट दिया गया है उसके वजह से ये जो झरने की हाइट है वो कम हो गई है। और दोस्तों जो पानी की धारा है वो भी काफ़ी भागों में बढ़ चुका है, और उसके वजह देखिए इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी सारे पत्थर डूब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नदी की धारा को ही बदल दिया गया है अपने हिसाब से। और ये देखिए दोस्तों यदि आप वाटरफॉल के पास तक जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उतरना पड़ेगा नीचे, तभी आप झरने के पास जा पाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं आपको नीचे लेकर और दिखाते हैं नीचे से व्यू। दोस्तों ये हम आ गए हैं झरने के पास, ये देखिए कितना खूबसूरत पानी यहाँ पे गिर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि झरने में काफ़ी गहरा कुंड नहीं है, तो आप ये जो पानी देख रहे हैं आप यहाँ पे खड़े होकर भी नहा सकते हैं, बहुत होगा तो आपके कमर तक पानी होगा, लेकिन उसके बाद भी सावधानी के साथ, अकेले ऐसा रिस्क कभी मत लीजिएगा, यदि साथ में दो चार दस लोग हों तभी, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से यहाँ पे कभी भी पानी बढ़ सकता है झरने में। दोस्तों इतना खूबसूरत वाटरफॉल होने के बाद भी ये उपेक्षा का शिकार हुआ है,
दोस्तों सारे झरनों में पानी आए चाहे ना आए, लेकिन बाढ़ सागर में पानी नहर में हमेशा ही आता रहता है, गर्मी के महीने में भी, मई और जून के महीने में भी, और वो पानी डायरेक्ट इसी झरने में छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे मई जून में भी पानी रहता है दोस्तों। लेकिन इतना ज़्यादा उपेक्षा का शिकार है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खनन माफिया लोग हैं, ये झरना उनका भेंट चढ़ चुका है और यहाँ से पूरा पत्थर निकाल के नदी की धारा को ही मोड़ दिया जा रहा है और झरने की ऊँचाई भी काफ़ी कम हो गई है। सरकार को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे उतरने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे पत्थर हैं उबड़ खाबड़, और वहीं से हम उतर के नीचे उतर जाएंगे। और ये देखिए सामने का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों ये है जरगो नदी और ये पानी जा रहा है जरगो डैम में, और यहाँ का खूबसूरत व्यू देखिए, कितना प्यारा सीन है यहाँ का, अद्भुत जगह है दोस्तों। लेकिन अभी भी ये उपेक्षा का शिकार है और यहाँ पे पत्थर खनन माफिया लोग इसको उजाड़ रहे हैं और इसकी खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा झरना है, कितना खूबसूरत सीन है यहाँ का। दोस्तों यदि आप झरने के पास उतर के जाना चाहते हैं तो ये लोगों के द्वारा ही सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और आप यहाँ से उतर के बिल्कुल वाटरफॉल के पास आ जाएंगे नीचे। क्योंकि दोस्तों यदि झरने में कम पानी रहता है तो लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन आज झरने में पानी बहुत ज़्यादा है, नहाने लायक भी नहीं है। और दोस्तों इसका जो कुंड है, इसमें कुंड गहरा है, और यदि आप उसमें चले गए तो डूब भी जाएंगे। इसलिए जिनको तैरने आता हो वहीं झरने के पास जाएँ, और जिनको थोड़ा भी संदेह हो बिल्कुल झरने के करीब न जाएँ। दोस्तों मैं, ये देखिए मैं झरने के पास आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 से 15 फीट गहरा है ये, इसलिए आप यहाँ पे उतरने की कोशिश मत करिएगा। और ये देखिए झरने का कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पे, इतना प्यारा व्यू बना हुआ है। मौसम भी आज बड़ा मस्ताना है, एकदम काफ़ी अच्छी बदरी छाई हुई है, हल्की हल्की फुहारें भी पड़ रही हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत चुन्नी दरी वाटरफॉल, छत्तीसगढ़ चुनार मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश पर्यटन। दोस्तों ये यहाँ पे एक प्लेस है, यदि आप खाना पीना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पत्थर के नीचे बना सकते हैं। थोड़ी सी छाया है यहाँ पे बैठ के पिकनिक एंजॉय करने के लिए, बाकी तो यहाँ पे सारा खुला स्पेस है कि यदि बारिश हो जाए तो सारा खाना पीना व्यर्थ हो जाएगा, सब भीग जाएगा। बाकी इधर चारों तरफ खेत ही हैं, और ये देखिए पानी यहाँ से बह के जा रहा है, कितना सुंदर है। दोस्तों जब भयंकर बाढ़ आती है तो ये जो पूरा पत्थर देख रहे हैं, पूरा पानी यहाँ तक पूरा भर जाता है, और ये झरना एक तरह से डूब जाता है, फिर उसमें इतने स्टेप नहीं दिखाई देते हैं। दोस्तों ये स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी अच्छी बारिश, ये देखिए सामने के पहाड़ अब बारिश के आगोश में आते जा रहे हैं, और बरसात भी तेज़ होती जा रही है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दृश्य लग रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए
दोस्तों आप एक खूबसूरत आवाज़ सुनिए, कितना प्यारा लग रहा है शांति से।